वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों देखिए, आज हम आप लोगों के बीच में स्टैंडर्ड वायर गेज बारे में बताने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड वायर गेज में हम लोग बेसिकली तार को मापने का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम लोग का ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है। ऐसे स्टैंडर्ड वायर गेज से हम लोग डिफरेंट तरह के चीजें को भी माप सकते हैं। क्योंकि लोग शीट मेटल के काम करते हैं तो चदर वगैरह को भी मापते हैं। जो वेल्डिंग वाले व्यक्ति है अपना रड को मापते हैं कि हमारा रड इतने नंबर का रड है। तो हम एक इलेक्ट्रिशियन है, तो इलेक्ट्रिशियन वाले व्यक्ति जो है वायर गेज का इस्तेमाल करता है तार की मोटाई को मापने के लिए, तार की मोटाई को मापने के लिए। तो ये हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है, जिनका रीडिंग 0 से 36 नंबर तक होता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हुए। और हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर है, ठीक है, जिनका अलग अलग साइज है। एक वायर है ये, एक वायर ये, एक वायर ये और एक वायर ये। ये चार तरह के मैंने अलग अलग वायर लिया हुआ। चारों का जो साइज होगा वो डिफरेंट होगा, जो कि हमें भी पता नहीं है, क्योंकि अभी हमने आपके सामने पूरा सील को खोला, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कितना नंबर का ये तार है। बट हम इसे मेजरिंग करेंगे और इसके साइज को याद कर पाएंगे, ठीक है। तो मेजरिंग करने का फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका जो होता है, हम लोग तार का इंसुलेशन को हटाने आना चाहिए। अब तार का इंसुलेशन हटाने आपको नहीं आएगा तो हम लोग माप नहीं पाएंगे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, तार का इंसुलेशन लेकिन तार नहीं है, काटना चालू करते हैं इंसुलेशन हटाना, तो पूरे तार को काट देते हैं, तो कटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग पहले क्लास में जब प्रैक्टिकल करते हैं तो कटर का इस्तेमाल नहीं करना है। कटर से बेटर होता है सीखने के लिए इलेक्ट्रिशियन नाइफ। तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ बाजार में अवेलेबल है, 2 ब्लेड वाला, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बट वो महंगा हमेशा नहीं अवेलेबल होने की वजह से हम लोग कई कटर आते हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं। वो देखने में सिंपल होंगे और 10 रुपये में मार्केट में अवेलेबल भी है, ये आसानी से अवेलेबल भी होगा। जैसे थर्मोकोल काटने के लिए लोग इस्तेमाल करते थे पहले, लेकिन इसके सहारे पे तार का इंसुलेशन अच्छा से छिलाता है। तो तार का इंसुलेशन छिलने के लिए हम लोग इस नाइफ का इस्तेमाल करेंगे, और छिलने की जो प्रतिक्रिया होती है तार को 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हटाना है इंसुलेशन। तो ये हमारा एक वायर हो गया, ये स्ट्रेट लेवल पे जा रही है। 20 डिग्री जो 60 डिग्री के बाद आती है ना, 20 डिग्री से 60 डिग्री के बाद यहाँ पे एक एंगल क्रिएट किया जाता है। यहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, इस एंगल का जो नाम होता है 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हम लोग का ये एंगल होता है, इसके सहारे से हम लोग तार का इंसुलेशन को हटाते हैं। तो ये हो गया पूरा 180 डिग्री। तो ये संभव नहीं है कि हम लोग 180 डिग्री पे तार का इंसुलेशन को हटा सके, ये संभव नहीं है। संभव यही है कि इसका इंसुलेशन को हम लोग 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में हटा सके, लेकिन इसका एग्जैक्ट तो पूछता है तार का इंसुलेशन कितने डिग्री के एंगल पे हटाना है। तो क्वेश्चन एनालाइज करते हैं, तो 20 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में क्या आता है, 45 डिग्री। तो हम लोगों को हमेशा तार का इंसुलेशन हटाना हो तो 45 डिग्री हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तार का इंसुलेशन हटाने के लिए 45 डिग्री, जैसे कहा गया 20 से 60 डिग्री को एग्जैक्ट नाप भी होता है, तो 45 डिग्री पे हम लोग इंसुलेशन को हटाते हैं। तो चलिए हम लोग नाइफ के सारे से हटाते हैं। बचपन में पेंसिल लोग छीलते थे ना, पेंसिल उसी तरह से छीलना होता है इसको, ठीक है, पेंसिल से छीलते के इस तरह से, ठीक है। जब पेंसिल छीलते ना बचपन में, ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसका इंसुलेशन को हटाएंगे। कुछ लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं, दाग लगा के खींच देते, लेकिन ये हम पकड़ में आ जाएगा कि आप दाग लगा के खींचे हैं कि 90 डिग्री पर छीलने, कितने डिग्री के एंगल पर छील रहे हैं वो हमें देखिए। और छीलते समय ये भी ध्यान रखना है कि किसी प्रकार का कट का निशान नहीं आना। देखिए इंसुलेशन को हटा लिया गया, अभी इंसुलेशन को हटा लिया गया तो हम लोग के पास स्टैंडर्ड वायर गेज है। क्या है ये गेज है, इस गेज के सहारे हम लोग मेजरिंग करेंगे कितना नंबर का मेरा ये तार है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे गेज को इस तरह से हम लोग पहले पकड़ेंगे, ठीक है। अब पकड़ने के दौरान छोटा किस तरफ से पढ़ना है, छोटा यानी कि ज़्यादा संख्या, जो इसमें उल्टा होता है, जो सबसे छोटा था पतला तार होगी उसकी संख्या सबसे अधिक होगी, यानी 36 नंबर की ओर से पढ़ना है। तो ये जो पतला वाला खांचा है ना, ये 36 नंबर खांचा है, ठीक है। ये जो पतला वाला खांचा है ना, ये 36 नंबर का मेरा खांचा है। तो ये जो तरीका ये गलत है, हमको इसके ऊपर से जाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर से हम लोग घसकाते हुए आएंगे, ठीक है। ऐसा कोई ना कोई खांचा होगा जिसमें ये आसानी से जाएगा। देखिए इस खांचा में नहीं जा रहा, देख रहे हैं ना, इस खांचा में जा रहा नहीं जा रहा, उसके बगल में देखिए चला गया आसानी से, यहाँ पे ढीला जा रहा है,
तो इसका पकड़ लो जहाँ जा रहा वो इसका साइज हो गया कितना नंबर हुआ साइज 14-15 का बीच में है नहीं 14 नंबर साइज हुआ नहीं 15 नंबर हाँ 15 नंबर ठीक है 15 नंबर क्योंकि देखिए तेरा 16 नंबर में नहीं आ रहा है 15 में आ रहा है 16 में 14 में ढीला ये कैप्टन ज्यादा इसका जो छोर बना हुआ है ना छोर छोर में हल्का टच करते हुए आना चाहिए इसमें नहीं आ रहा इसमें टच करते हुए आ रहा इसमें थोड़ा ढीला ठीक है इसका ये साइज समझ गए क्या साइज हो गया इसका 15 वो 15 तो इसका हम बोल दिए 15 लेकिन इसमें कंडक्टर क्या है एक सबको हटाया कितना कंडक्टर निकले एक कंडक्टर निकले इसका साइज हो गया मेरा एक बाय 15 ठीक है तो इस साइज जो ये हो गया मेरा 1/15 SWG ठीक है पहला आपने नाम लिया इसी प्रकार से दूसरे वायर को हम लिए ठीक है एक टैप काट लिए अब क्या किया करो से मोड़ लिए इसका इंस्पिरेशन हम लोग नाइफ से बैठा सकते हैं बट हमारे प्रैक्टिस अच्छे हैं तो हम लोग कटर से बैठा सकते हैं मैं कटर से हटाने जा रहा हूँ आप लोग लेकिन कटर से मत हटा के नाइफ से हटाइएगा ठीक है क्या समझे कटर से नहीं हटा के नाइफ से हटाइएगा अब देखिए चार का हो रहा है इसके अंदर देखिए तीन कंडक्टर आ गए कितने कंडक्टर है तीन कंडक्टर आ गए है ना तो तीनों को हम नहीं एक साथ गेंद में घुसाएंगे लपेट के जब मोड़ के कोई एक कंडक्टर को ही मेजरिंग करेगा समझ गया ना तो दो को हम मोड़ लिए एक को मेजरिंग करेंगे ये मेरा गेज है जो कि हम बताएं छोटा से आना है बड़ा किया छोटा नंबर 36 में आ गए घसकाते हुए ले जाएंगे यहाँ टाइट जा रही है यहाँ अच्छा से जा रहा है यहाँ ढीला हो रहा है इसका ये साइड ट्वेंटी वन नंबर आ गया ना 21 नंबर जब आया उसका साइज क्या हुआ 21 नंबर क्या है 21 नंबर हो गया अब इसके अंदर में मेरा क्या है तीन कंडक्टर है ना तो इसका नाम क्या हो जाएगा सीबी बाय 21 SWG आ गया ना इसका भी मेरा काम समाप्त हो गया अब मेरा एक और अलग तरीके का तार है इसे भी मैंने काट लिया इसका भी मैंने इंसुलेशन को हटा दिया इंसुलेशन को अब देखिए इसके अंदर में भी मेरा ढेर सारा तार आ गया है ठीक है ढेर सारा तार है ना कितना है गिनी चला था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात तार है सात तार दिख रहा है आप लोगों को अब सात तार है तो इसका क्या नाम है सात मेरा फिक्स हो गया नीचे वाला साइड हमको पता नहीं है 7/15 जो रीडिंग लेंगे तो लीजिए रीडिंग लेंगे क्या स्टेंडर वायर गेज से ये मेरा गेज मिल गया 6 को इतना मोड़ दीजिए एक तार को रखिए अपने मेजरिंग के लिए छोटा से बड़ा किया बोले थे ना सेम काम इसमें भी कर रहे हैं इसमें जा रहा है इसमें ढीला है इसमें नहीं जा रहा इसमें जा ये कितना है 22 यानी 7/22 SWG ठीक है तो साइज हो गया इसको एक आप लिए अब मेरे पास एक वायर आओ Thank you.
देखिए ये जो वायर है इसका नाम थोड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक काला वायर था कैप भी लगा हुआ ऊपर में, उसके अंदर में दो वायर निकला, एक रेड और ब्लैक, तो इसका नाम हो गया है क्वीन कोर, दो कोर वाले तार, दो कोर निकला तो दो कोर वाले तार हो गया। अब दोनों कोर का कंडक्टर तो कोई एक ही एक निकला हुआ है, तो कोई एक को मेजरिंग करेंगे हम लोग, मेजरिंग करने के छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे हमेशा। इसमें जाने क्या बस है, 16 नंबर आया, 16 आया, इसका साइज हो गया 16, ठीक है। तो जैसे ट्विन कोर में है, ठीक है, इसका नाम होगा 1/16 SWG। ठीक है, वहां पर लिखना होगा 1/16 SWG ट्विन को, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग तार की साइज को ज्ञात करते हैं। तो आप लोग पहले तार का इंसुलेशन को हटाइए, तार का इंसुलेशन को कैसे हटाया जाता है, लेटेशन नैप के सहारे कटर का इस्तेमाल कीजिएगा, नंबर कटेगा, ठीक है, कटर की तार वाले से हम पकड़ में आ जाएगा। जब नाइफ से इंसुलेशन को हटाते हैं, नाइफ से इंसुलेशन को हटाएंगे ना, तो उस पर देखिए ये जो कट का निशान है ना, ब्लेड की जैसा आ जाएगा, तो उससे हम उसका डिग्री का अंदाज लगाते हैं कि बच्चा कैसा छिला है। अब देखिए हमने इसे कटर से हटाया, इसकी एक अलग पहचान है, समझ में आता है, कटर से हटाया के नंबर हम काट देते हैं। 60 डिग्री के बीच बीच काटे बहुत अच्छी बात है, हाँ, लेकिन 45 एक इसका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, बट जितना अच्छा आपके टैलेंट है उतने हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का मेरा ये तक रहेगा, लेकिन फिर से अभी आप लोग प्रैक्टिस में जाएंगे।